26 दिसंबर टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक ब्लैक डे रहा, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 26 दिसंबर को महज 37 साल की उम्र में टेलीटाउन के एक्टर कुशल पंजाबी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुशल का यूं इस दुनिया से चले जाना हर किसी के लिए काफी दुखद रहा। कुशल के निधन से हर किसी को झटका लगा। 26 दिसंबर को कुशल का निधन हो गया, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार और प्रार्थना सभा, जहां टीवी इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। एक दुख की घड़ी में ये तमाम सितारे कुशल के परिवार को हिम्मत देने पहुंचे, लेकिन इन सितारों ने जिस तरह के खुलासे किए वो हर किसी को हैरान कर गए। कुशल, जो अपने निधन से करीब 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, 2 दिन पहले बख्तियार ईरानी, शिल्पा, अपूर्वा इन सबके साथ मौज मस्ती कर रहे थे, हंसते खेलते तस्वीरें कुशल की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो कुशल ने इतना बड़ा कदम उठाया? अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, यह सवाल लगातार उठ रहा था। जब इस सवाल के जवाब जानने की कोशिश की गई तो ऐसे बयान सामने आते हैं चेतन हंसराज के, कुशल के परिवार के, जिससे यह मालूम पड़ता है कि कुशल काफी परेशान थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ऑफ ट्रैक हो गया था, जिसके बाद कुशल ने अपनी पत्नी से सुलह करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी और कुशल ने इस तरह से जिंदगी का अंत कर दिया। आशीष रॉय सामने आए हैं और आशीष रॉय का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो और कुशल एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अपने बयान में वो क्या कहते हैं, कुशल के बाकी करीबियों का क्या कहना है, और आशीष कुशल के साथ काफी ज्यादा जुड़े हुए थे क्योंकि वो खुद भी अपनी जिंदगी में काफी परेशानी से जूझ रहे थे। कुशल के निधन की पूरी मिस्ट्री को एक अलग ही मोड़ पर लेकर जाने वाले आशीष रॉय का बयान सुनिए जरा। 26 दिसंबर को टेलीटाउन के एक्टर कुशल पंजाबी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके, इश्क में मरजावा जैसे बेहतरीन शो में नजर आ चुके 37 साल के कुशल पंजाबी का इस तरह दुनिया से चले जाना हर किसी के लिए बड़ा झटका था। किसी ने सोचा नहीं था कि कुशल पंजाबी इस तरह अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे। बता दें आपको, कुशल का इस दुनिया से चले जाना हर किसी के लिए बड़ा झटका इसलिए था क्योंकि कुशल काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके के साथ, खुशहाल तरीके के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपने दोस्तों के साथ नजर आते थे। तो ऐसे में जब ये खबर सामने आई कि कुशल ने अपनी जिंदगी का अंत कर दिया, किसी को यकीन नहीं हुआ। हालांकि इन सबके बीच में कुशल के जितने भी करीबी दोस्त रहे, उन्होंने अपनी अपनी तरह से सामने आकर कुशल पंजाबी के डिप्रेशन पर चुप्पी तोड़ी। कुशल पंजाबी के दोस्तों ने सामने आकर बताया कि किस तरह कुशल काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे। उनकी पत्नी के साथ उनका यहाँ पर तनाव चल रहा था और इन सब के बीच अब कुशल पंजाबी की हालत पर, अपने निधन से पहले कुशल किस हाल में थे, आशीष रॉय का बड़ा खुलासा सामने आया है। आशीष रॉय का बयान और भी ज्यादा जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं जहां कुशल ने अपनी जिंदगी का अंत किया है। आशीष खुद भी टीवी इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर हैं और टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। कुशल पंजाबी के घर के पास ही रहते हैं, उसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। आशीष ने कहा, हाँ, कुशल की शादीशुदा जिंदगी में कई तरह की परेशानियां थी। कुशल ने कई बार मुझे इन सबके बारे में बताया भी है। रॉय आगे कहते हैं, कुशल की पत्नी थी लेकिन वो काफी ज्यादा अकेला महसूस करते थे। आशीष रॉय का ये बयान हर किसी को हैरान इसलिए कर जाता है क्योंकि कुशल के परिवार ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उनका बेटा डिप्रेशन में नहीं था, लेकिन आशीष रॉय के बयान से ये पता चलता है कि कुछ तो परेशानी थी
कुशल पंजाबी को इसीलिए वो अपने तमाम करीबियों को कहते थे कि मैं काफी ज्यादा अकेला हूं। बता दे आपको, आशीष रॉय यहां कुशल की तकलीफ को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुद एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आशीष रॉय वही एक्टर हैं जिन्होंने भगवान से अपनी जिंदगी को खत्म करने की प्रार्थना की थी। आशीष रॉय की तबीयत बीते दिनों खराब हो गई थी, वो अस्पताल में भर्ती थे। एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, सुबह की कॉफी बिना शक्कर के ये मुस्कुराहट मजबूरी में है जी, भगवान मुझे उठा ले। आशीष अपने गाजर के सूप की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और लिखते हैं, ये गाजर का सूप होना चाहिए, कल के भीगे और बचे हुए कार्डबोर्ड का टेस्ट इससे बेहतर होगा। बता दे आपको, आशीष करीब 4 दिन तक अस्पताल में रहे, उसके बाद वहां से डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में अपनी हालत के साथ साथ कुशल पंजाबी के निधन पर एक सनसनीखेज खुलासा किया, जिसकी जानकारी यहां पर हमने आपको दी। कुशल पंजाबी का परिवार लगातार कह रहा है कि उनका बेटा किसी तरह की कोई परेशानी में नहीं था, लेकिन आशीष रॉय के बयान को अगर नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो कुशल के बेहद करीबी चेतन हंसराज, जो देर रात उनके परिवार के साथ पहुंचे थे कुशल के घर पर, जिन्होंने कुशल को आखिरी बार देखा, कुशल के परिवार को संभाला, वो चेतन हंसराज भी कह चुके हैं कि कुशल डिप्रेशन से जूझ रहा था। बता दे आपको, कुशल हमेशा हंसने वाले इंसान थे और इसीलिए उनका इस तरह इस दुनिया से चले जाना हर किसी को खटक रहा है, लेकिन एक खुश मिजाज इंसान अपने हंसते चेहरे के पीछे कितना गम छिपा कर बैठा था, वो इन सब के दावों से, इन सब के खुलासों से मालूम पड़ता है। आशीष के बयान से ये मालूम पड़ता है कि जो कहानी सबको काफी परेशान कर रही थी, जो सुनकर हम इतना परेशान हो रहे हैं, कुशल कितना परेशान रहे होंगे, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए वो वक्त जब वो दुनिया को दिखाने के लिए तो हंसते थे लेकिन अंदर से परेशान थे, कुशल डिप्रेशन में थे, ऐसा उनके दोस्तों ने कहा। लेकिन कुशल पंजाबी का परिवार क्या कहता है, वो लोगों को और भी हैरान कर जाता है। डिप्रेशन से जूझ रहे कुशल ने ये कदम उठाया, लेकिन परिवार दावा करता है कि कुशल डिप्रेशन में थे ही नहीं। परिवार का जॉइंट स्टेटमेंट सुनिए जरा। कुशल पंजाबी की पत्नी को उनके इस बड़े कदम के लिए चारों तरफ से जिम्मेदार ठहराया गया। हर किसी ने यही कहा कि कुशल अपनी पत्नी की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, अपनी पत्नी को लेकर काफी ज्यादा तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कुशल पंजाबी के परिवार ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और तमाम अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया। 26 दिसंबर को मुंबई में बांद्रा स्थित अपने आवास में कुशल ने अपनी जिंदगी का अंत करके अपने फैंस को, टीवी इंडस्ट्री को चौंका दिया। कुशल पंजाबी के पिता की ओर से भी बयान देने के खबरें आई और कुशल पंजाबी की पत्नी ने भी विदेश में जाकर एक बयान दिया। लेकिन पूरा परिवार जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। दिवंगत एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी विनय पंजाबी, प्रिया पंजाबी, रितिका पंजाबी शामिल हैं। इन लोगों ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि कुशल एक बहुत अच्छा पिता था, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से पूरी तरह स्टेबल था, यानी ना तो कुशल गरीबी का सामना कर रहा था, ना तो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे और ना ही किसी तरह से डिप्रेशन में थे। परिवार कहता है कुशल अपने पिता से बहुत प्यार करता था, कुशल अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, बेटे के साथ उसका रिश्ता बेहद करीबी था। इस शोक की घड़ी में हम सब एक साथ हैं और हम हमेशा कुशल को एक बेहद खूबसूरत इंसान के रूप में याद रखेंगे। पूरा परिवार अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाता है, लेकिन खबरों का बाजार उस वक्त गर्म होता है जब टीवी इंडस्ट्री के लोग कुशल के डिप्रेशन में होने की बात कहते हैं। खबरों का बाजार उस वक्त गर्म होता है जब टीवी इंडस्ट्री के लोग कुशल पंजाबी के डिप्रेशन में होने को लेकर खुलासे करते हैं। खबरों का बाजार उस वक्त गर्म होता है जब टीवी इंडस्ट्री के लोग चेतन हंसराज, आशीष रॉय, अर्जुन बिजलानी, आमिर अली, ये तमाम लोग जब डिप्रेशन पर बात करते हैं, कुशल के डिप्रेशन पर चर्चा करते हैं, तो यहां सवाल उठते हैं। कुशल इस दुनिया में नहीं है और यकीनन इन सवालों के जवाब उनके इस दुनिया से जाने के साथ ही चले गए।
नेक्स्ट नाइन परिवार की ओर से हम यही कहेंगे कि कुशल की आत्मा को शांति दे, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को बाहर निकलने की हिम्मत दे, क्योंकि फिलहाल कुशल पंजाबी की माँ अब तक अपने बेटे को खो देने के गम से बाहर नहीं निकली है। कहने वाले बहुत तरह की बातें कहेंगे, लेकिन सच ये है कि कुशल अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। इस खास पेशकश में इतना ही, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी मुलाकात, जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।